ट्रेन पे तो हम सब ने कभी न कभी सफर किया है। ट्रेन के जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि कोचेस, उसका लोहा वाला चक्का, लेदर वाला स्लीपर और जो उसकी खिड़की पे जो ग्रिल लगा रहता है वो, ऊपर में जो प्लास्टिक लगा रहता है वो, अरे कहना क्या चाहते हो? और जितनी भी चीजें हैं ये सब बनती कहाँ है आखिर? हमारे इंडिया में ट्रेन्स इतनी पॉपुलर है, बहुत लोग तो ट्रेन में ही मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, लेकिन कैसे बनता आखिर और कहाँ इंडिया में मेजर कहाँ पे बनता है? और क्या आपको पता है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी जब हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से टकराएगा भविष्य में, तब आसमान में जो सीन दिखेगा वो कैसा दिखेगा? ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि आज से बिलियन ऑफ इयर्स बाद, स्पेसिफिकली कहूं तो वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि आज से 4-5 बिलियन साल बाद, यानी कि करीब 400 से 500 करोड़ ईयर बाद, वो गैलेक्सी जिसको हम अपना पड़ोसी गैलेक्सी कहते हैं एंड्रोमेडा, वो मिल्की वे से टकरा जाएगा। और अजीब बात यह है कि वो हर सेकेंड, जितने देर तक आप ये वीडियो देखे हो उतने में वो हजारों किलोमीटर सामने आ चुका है ऑलरेडी मिल्की वे का, तो वो 110 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से मिल्की वे के करीब आ रहा है एंड्रोमेडा। और जैसा कि आप इमेज अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, आज से करोड़ों साल बाद जब ये पास आ चुका होगा तब आसमान में ये कुछ ऐसा दिखेगा, और कुछ साल बाद जब और पास आ जाएगा तब हमारा पूरा आसमान ग्लिटर करेगा। एक कॉस्मिक आर्ट जिसे कहते हैं ना, एक आर्टिस्ट जिसे एक पेंट करता है, पूरा आसमान वैसे ही लिट अप हो जाएगा जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। ऐसा कुछ सीन होगा नाइट स्काई जब एंड्रोमेडा एकदम करीब आ चुका होगा। और ये आप लेवल्स देख सकते हो कि सबसे दूर में कैसा दिखता है, सामने कैसा दिखेगा, और पास और पास और पास और पास और पास और पास। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि अगर हम अपने चांद के जगह वीनस प्लैनेट को ला दें तो एक बहुत अजीब सी कांड हो जाएगी हमारे धरती पर। पहली चीज ये कि वीनस जो है वो नियरली अर्थ साइज का है, तो दोनों मिलकर एक दूसरे को चक्कर लगाने लगेंगे। स्पेस में ऐसा नियम है ना कि जो ऑब्जेक्ट बड़ा है उसका गुलामी एक छोटा ऑब्जेक्ट करता है, जनरल प्रिंसिपल है। लाइफ में भी ऐसे ही होता है, धरती पे भी, लोगों के रैंकिंग की बात करें या कुछ भी करें, तो क्योंकि वो इक्वल है नियरली तो दोनों एक दूसरे का चक्कर लगाएंगे। ऐसा नहीं कि चांद की तरह जो कि छोटा है सिर्फ वो धरती का चक्कर चुपचाप लगाएगा। बट और एक चीज ये होगी कि वीनस के आने के बाद रात रात नहीं रहेगी। जी हाँ, नाइट स्काई भी पूरा लिट अप हो जाएगा। वीनस का जो क्लाउड है वो सल्फ्यूरिक है और वो बहुत सारा लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, करीब 70% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो पहली बात, अगर चांद के जगह वीनस प्लैनेट आया तो वो चांद से बड़ा दिखेगा साइज के चलते, और पूरा एक दूसरे सूरज की तरह हो जाएगा। वो सल्फ्यूरिक क्लाउड्स है वहां, तो सूरज का जो लाइट जब पड़ेगा वो पूरा रिफ्लेक्ट करेगा धरती की तरफ, और बहुत मात्रा में वहां पे सल्फर क्लाउड मौजूद है। वीनस जो है वो बड़ा सा ग्लोइंग ऑब्जेक्ट, एक ब्राइट ऑब्जेक्ट की तरह दिखेगा। और अगर चांद के जगह आ गया वो, तो वो एक दूसरे का चक्कर लगाते 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 एक बार पास आ जाएगा, कोलाइड कर जाएगा वो अर्थ और वीनस, और मिलके बन जाएगा अर्थ प्लस वीनस। फैक्ट नंबर 5, जब किसी तारे का फ्यूल खत्म होता है तब वो बहुत मात्रा में गामा रे को रिलीज करता है, जिसको कि गामा रे बर्स्ट कहते हैं। और गामा रे बर्स्ट जो है वो इतना खतरनाक है कि अगर कोई तारा एक्सप्लोड कर रहा है और उसका एक रे सीधा पिन पॉइंट कर रहा है धरती को, अगर वो तारा 3000 लाइट ईयर्स भी दूर रहेगा तो वो धरती के सारे ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सोचो कि 3000 लाइट ईयर कितना ज्यादा डिस्टेंस होता है, और उतना ज्यादा डिस्टेंस होने के बावजूद भी वो डिस्ट्रॉय कर देगा ओजोन लेयर को। आप लोगों में से बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है कि सन जो है, हमारा सन ही इतना खतरनाक है कि हमें किसी और ब्लैक होल वगैरह के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है क्या? कि सन टाइम टू टाइम अपना रे को छोड़ते रहता है स्पेस में, जिससे धरती पे भी इफेक्ट पड़ता है। धरती का मैग्नेटिक फील्ड उससे हम लोगों को बचा लेता है, प्रोटेक्शन सिस्टम नेचर में बना हुआ है। बट आप लोगों का क्वेश्चन ये था कि वो अगर ऐसे मास को इजेक्ट करते रहता अपने अंदर से एनर्जी को, तो इससे वर्स्ट क्या हो सकता? मान लो बहुत बड़ा सा एक मास इजेक्शन आ गया तब, तो इसका आंसर यह है कि अगर इतना ज्यादा पावर का रे अगर वो छोड़ा तो धरती का सारा एनर्जी ग्रिड्स जो है
वो तबाह हो जाएगी और प्रोबेबली सालों तक, एक दो साल तक आपके घर में बिजली नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये जो है ये डायरेक्टली इलेक्ट्रिक से संबंधित है और ऐसा कुछ जब होता है तो वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक वाली चीजों को खराब कर देती है। सारे सैटेलाइट्स मैलफंक्शन हो जाएंगे, अगर बहुत बड़ा रे आ गया तो सारा पावर एनर्जी चला जाएगा और धरती का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा और जिसकी मैंने एक बार बात की है इटर्नल विंटर, वो आ सकता है। फैक्ट नंबर 4, ये एक बहुत ही डरावना फैक्ट है। मान लो कि आपको चांद के पास, चांद जहां है उसके पास वाले स्पेस में छोड़ दिया गया, तो आप तैरते रहोगे डीप स्पेस में और आपको चांद दिखेगा, धरती दिखेगा, सोलर सिस्टम दिखेगा। वही अगर आपको जुपिटर के पास छोड़ दिया जाए स्पेस में, तो आपको बहुत बड़ा एक मास दिखेगा जुपिटर का, सैटर्न का, और मे बी आपको दिख जाए धरती, थोड़ा सा अलग अलग प्लैनेट्स दिखे। और वही अगर आपको सोलर सिस्टम के बाहर छोड़ दिया जाए, तो आपका छोटा सा बॉडी जहां तैरेगा वो सोलर सिस्टम को, सौर मंडल को, जिसमें सारे प्लैनेट्स इंक्लूडेड है, उसको एक डॉट की तरह देखेगा। आपको बस एक डॉट दिखेगा और बाकी दूर दूर तक तारे दिखेंगे। ये हो गई गैलेक्सी के अंदर की बात। अब आप अभी भी गैलेक्सी के अंदर हो। अब बात करते हैं कि आपको दो गैलेक्सीज के बीच में छोड़ दिया जाए तब क्या होगा। तो एक बहुत ही अजीब सी चीज है, एक डरावनी सी बात को बोलता हूं, उसको आप विजुअलाइज करना। इमेजिन करोगे आपका आंख का रोशनी एक सेकंड में चला गया, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, कंप्लीट डार्कनेस, कुछ भी नहीं। तो स्पेस में दो गैलेक्सीज के बीच में जब आपका छोटा सा बॉडी तैर रहा होगा तो आपको वैसे ही कुछ फील होगा। बहुत लोग इसके बारे में जब सोचते हैं तभी उनको एंग्जाइटी शुरू हो जाता है कि क्या, खुला रहते हुए भी कुछ नहीं दिख रहा है, चारों तरफ ब्लैकनेस, पूरा कुछ है ही नहीं, आप अंधेरे और नथिंगनेस में तैर रहे हो, आपको वैसा फील होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि दो गैलेक्सीज के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। आपका जो बॉडी का साइज है वो तो मतलब कुछ भी नहीं है उसके सामने, और आपकी आंख की पावर की बात करें तो वो गैलेक्सीज को एज अ डॉट भी नहीं देख पाएगा, उसको दिखेगा ही नहीं कुछ। और दो गैलेक्सीज के सबसे बीच में जो सबसे आइसोलेटेड लोकेशन है, वहां पे आपको छोड़ दिया जाए तो आपको यूनिवर्स दिखेगा ही नहीं, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। आपका ये हाइट, आपका वेट, ये यूनिवर्स के सामने कुछ भी नहीं है, और आपकी आंखों की रोशनी ये भी कुछ भी नहीं है इसके सामने। तो ऐसा क्रीपी चीज होगा। आप इनफैक्ट अगर ब्लैक होल के सामने भी आपको छोड़ दिया जाए तो आपको कुछ ऐसा ब्लैक होल सामने बनता हुआ और सक करता हुआ दिखेगा, बट ब्लैक होल के अंदर कैसा आपको दिखेगा वो तो किसी को नहीं पता। तो ऐसे ही कुछ दिखेगा आपको, कंप्लीट डार्कनेस, लेकिन उसमें तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं टेक्निकली, क्योंकि दिखने के लिए आंखों में लाइट जाके दिमाग में प्रोसेस होना जरूरी है, और जहां पे टाइम एग्जिस्ट करता ही नहीं, जो कि है काला छेद, हमारा प्यारा ब्लैक होल, उसमें तो कुछ भी टाइम है ही नहीं। तो स्पेस में तैरते हुए डार्कनेस दिखेगा। इस फैक्ट के साथ साथ आपको ब्लैक होल का और एक फैक्ट बता दूं कि थ्योरिस्ट्स ने ये डिस्क्राइब किया है, ये थ्योराइज किया है कि ऐसा भी हो सकता है कि ब्लैक होल से आपको, ये बताया गया है ना कि टाइम एज अ फिजिकल डायमेंशन एक्ट करता है ब्लैक होल के अंदर। इसकी कोई भी सियोरिटी नहीं है क्योंकि ये हाइपोथेसिस है, लेकिन ये कहा गया है कि ब्लैक होल के अंदर से अगर ऐसा कुछ हुआ कि हम ब्लैक होल में मूव कर पाए, चाहे किसी भी फोर्स या फिर किसी भी रीजन के चलते, तो क्योंकि वहां पे फिजिकल डायमेंशन में तो मूव कर नहीं सकते हैं, वहां पे टाइम एक्ट्स लाइक अ फिजिकल डायमेंशन, ऐसा अगर सीन है तो आप ब्लैक होल में जब मूव करोगे तो आपको अजीब सा दिखेगा यूनिवर्स में। और मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल कि अगर आपके पास एक टेलीस्कोप है ब्लैक होल में और आपने कोई ऐसा पार्टिकल, कुछ भी ऐसा डिस्कवर कर लिया, ये कंप्लीट साइंटिफिक हाइपोथेसिस है, इसको मतलब इसको एक्चुअल में मैथमेटिक्स में मत जाना। तो आपके पास एक ऐसा टेलीस्कोप है जिसके अंदर से आप पार्टिकल्स को भेज के ब्लैक होल के बाहर भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ अगर आपने बना दिया तो आप इधर मूव करोगे तो आपको बचपन दिखेगा, इधर मूव करोगे तो आपको धरती का फ्यूचर दिखेगा। ब्लैक होल से इधर मूव करोगे और धरती को देख रहे होगे तो फिर आपको 1960 में आप अपने मम्मी पापा के बचपन को देख पा रहे होगे, इधर मूव करोगे तो साल 2200 को देख पा रहे होगे, ऐसा कुछ सीन होगा ब्लैक होल के अंदर। आप जो एकदम डीप साइंस एक्सप्लोरर लोग होंगे वो कहेंगे कि भाई कोई ऐसा है क्या जो कि लाइट के स्पीड से ज्यादा में ट्रैवल कर सकता है, ब्लैक होल को एस्केप कर सकता है, ऐसा कोई पार्टिकल है? तो जी हाँ, वो न्यूट्रिनोज है। न्यूट्रिनोज ये जो पार्टिकल है
यही आज तक एक पार्टिकल है जो कि फाइंड किया गया है कि ये स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा में ट्रैवल कर रहा है। अजीब बात है, न्यूट्रिनोस कैन ट्रैवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, ये एक अजीब सी सच्चाई है। फैक्ट नंबर 3, WRL न्यूज का एक आर्टिकल आप ये देखो, ये स्टीव जॉब्स के बारे में एक आर्टिकल है और इसमें एक जगह पे ये बात मेंशन्ड है कि एक लड़की स्टीव जॉब्स के यहाँ एप्पल कंपनी में काम करती थी, एक बार वो लेट हो गई और फिर नेक्स्ट दिन आए वो एक गाड़ी का चाबी दिए, वो जैगुआर गाड़ी था, उसका कीज दिए और उस लड़की को कहें कि ये लो चाबी गाड़ी का, अब और लेट मत होना। गजब। फैक्ट नंबर 2, पिरामिड कितना मिस्टीरियस है वो तो आपको पता ही होगा, बट आपको पता है पिरामिड कुछ भी नहीं है हमारे धरती में मौजूद बाकी कुछ मिस्ट्रीज के सामने। एक ऐसा पिरामिड मौजूद है जो कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से ट्वाइस वॉल्यूम है, डबल वॉल्यूम, और जो इजिप्ट का पिरामिड है उसका जो बेस है उससे 4 गुना बड़ा बेस एक सिंगल पिरामिड का है हमारे दुनिया में, और वो है मेक्सिको का ये पिरामिड, ग्रेट पिरामिड ऑफ चोला। और ये पिरामिड एक माउंटेन के बेस में मौजूद है जो कि बहुत ही अजीब बात है। पिरामिड की सबसे स्ट्रेंज बात ये है कि कई सिविलाइजेशंस आपस में कॉन्टेक्टेड नहीं थे, मतलब आपको चाइना में पिरामिड्स मिल जाएंगे, हर जगह पे दुनिया भर में पिरामिड्स मिल जाएंगे, और आप धरती के सारे पिरामिड्स के अलाइनमेंट को देखोगे तो आपको इसमें कुछ ना कुछ मीनिंग नजर आएगा। इससे ये पता चलता है कि पुराने जमाने के जो लोग थे वो मैथमेटिक्स और बाकी एस्ट्रोलॉजिकल चीजों को लेके पूरी तरह से अवेयर थे, और उन सब का कोई मकसद था इन सब को बनाने का, और वो क्या था वही तो आज तक नहीं पता चला है। सन का निकलना, मून का निकलना, एक्लिप्स, सन का पोजीशन, इन सब से कनेक्टेड था पिरामिड्स। और गीजा वाले पिरामिड्स का ओरायन कॉन्स्टेलेशन जो कि तारा मंडल है आसमान में, उसके शेप से एग्जैक्टली मैच होना, ये तो और भी गजब बात है। ये इतने मिस्टीरियस है कि ये हम कुछ भी ऐसे वर्ल्ड में कुछ भी फाइंड किया जाता है तो उसको हम लोग इजिली आजकल के टेक्नोलॉजी को लेके हम लोग एनालाइज कर लेते हैं, आंसर्स पता चल जाते हैं किसी भी चीज के बारे में, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट्स को आज तक नहीं पता चला कुछ भी पिरामिड के बारे में, और आज भी वो मिस्ट्रीज को अनरेवल कर रहे हैं और आज तक भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। इजिप्ट में कई जगह पे बिल्लियों, कैट के ममीज को फाइंड किया गया है, अलग अलग बॉक्सेस में उनके बॉडीज को रखा गया है, अलग अलग जगह गाड़ दिया गया है पिरामिड के अराउंड। अब ये अजीब बात है, वो लोग कैट से क्यों जुड़े हुए थे इतना, और कैट जब मरती थी तब इजिप्ट वाले लोग अपना आईब्रो को शेव करा लेते थे। तो ये सब बहुत सारी अजीब चीजें हैं जिसका हिस्ट्री में भी पता नहीं कोई रिकॉर्ड कैसे नहीं है। जब 5-6 हजार साल पहले का आप कोई भी डेटा निकाल लो तो आपको अलग अलग कंट्रीज का डेटा मिल जाएगा, बट ये सब नहीं मिला। ऐसा लगता है कि वहां के लोगों ने जानबूझकर ये डेटा को मिटाया है इस चीज के बारे में। इजिप्ट में कई ऐसे टेम्पल्स डिस्कवर होते रहते हैं इसके बारे में आज तक लोगों को पता ही नहीं था। मिस्टीरियस कंट्रीज की बात करें तो इजिप्ट सबसे पहला आता है। इस दुनिया में पिरामिड से ज्यादा मिस्टीरियस कोई भी आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट नहीं मौजूद है। इनफैक्ट नेचुरल चीजों को एनालाइज करना ज्यादा आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू दीज आर्टिफिशियल थिंग्स। जो वहाँ के किंग, राजा का बॉडी होता था वहाँ पे, जब वो लोग को ममीफाई किया जाता था ना, जब उसको ममी बनाया जाता था, तो वो लोग अजीब अजीब केमिकल्स का उपयोग करते थे जिसके बारे में आज तक वैज्ञानिकों को नहीं पता। और एक अजीब बात है कि वो लोग का ये मानना था कि अगर वो लोग उस केमिकल का इस्तेमाल करेंगे तो समहाउ किंग का जो आत्मा है वो फॉरएवर जिंदा रहेगा, ये मान्यता था वो लोग का। और कई लोगों का मानना है कि उनका वो मान्यता इतना ज्यादा था कि वही वन ऑफ द रीजन था पिरामिड बनाने का, क्योंकि वो मम्मी, जो ममीफाइड बॉडी है वो सेफ रहे, उनके बॉडी के साथ साथ ज्वेलरी और बाकी चीजें सब रखी जाती थी और कोई उसको चोरी ना कर ले, इसलिए पिरामिड बना के अंदर में ट्रैप्स भी लगाया जाता था, ट्रैप्स का भी यूज किया जाता था, ट्रैप्स का भी इस्तेमाल होते हुए देखा गया है कि अगर कोई अंदर घुसेगा तो वो भटक जाएगा और उसको समझ नहीं आएगा कि वो कहाँ है। उनके बॉडीज और उनके बिलोंगिंग को प्रोटेक्ट करना, ये वन ऑफ द रीजन पता चला है पिरामिड का। फिलहाल पिरामिड में स्टोरेज रूम, कोर्टयार्ड, सीक्रेट पैसेजवेज और बहुत सारे ट्रैप्स थे उन रॉबर्स के लिए जो कि उसके अंदर जाके रॉब करने का ट्राई करते थे, और चोरों के लिए फेक चेंबर्स को भी बनाया जाता था कि वो लोग वहां जाके देखे कि अरे यही तो बॉडी है, लेकिन असल में वहां बॉडी नहीं था। वो लोग मतलब किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना ज्यादा वो लोग करते थे, बहुत ही गजब हिस्ट्री पिरामिड का सही में। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि हमारे जो ट्रेन्स, इंजन, कोचेस और बाकी पार्ट्स, जो लोकोमोटिव का काम है वो कहाँ होता है?
तो आपको मैं बता दूं कि आजादी के बाद सबसे पहला जहां पे ट्रेन बनना शुरू हुआ था वो है चितरंजन। चितरंजन वेस्ट बंगाल का एक टाउन है और चितरंजन लोकोमोटिव्स वर्क CLW ये पहला कंपनी था। ये जस्ट आजादी के 3 साल बाद 1950 में खोला गया था और उसके बाद जगह जगह पे अदर प्लांट्स आते गए। लेकिन बात ये है कि अभी भी ज्यादा प्लांट नहीं है। इंडियन रेलवेज का जो मेन प्रोडक्शन होता है वो इन 6 जगह पे होता है। चितरंजन लोकोमोटिव्स वर्क जो कि चितरंजन में मौजूद है वेस्ट बंगाल, फिर है डीजल लोकोमोटिव वर्क जो कि वाराणसी में मौजूद है बनारस, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में मौजूद है, रेल कोच फैक्ट्री जो कि कापुरथला पंजाब में मौजूद है, रेल व्हील फैक्ट्री जो कि बेंगलोर में मौजूद है, डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क जो कि पटियाला में मौजूद है। यही 6 जगह पे इंडियन रेलवे का सारा मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। ऐसा नहीं कि आपका 100-200 जगह पे बन रहा है इक्विपमेंट अलग अलग जगह, वैसा नहीं है। इसका हमारे गवर्नमेंट का जो ये काम है इसका 6 जगह ही एक्सक्लूसिव काम होता है। और इसमें जो आप कोच देख रहे हो जैसे कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, इसमें कोचेस बहुत मात्रा में बनते हैं। और जो पटियाला का रेल कोच फैक्ट्री है वहां भी कोच बहुत मात्रा में बनते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाले का आप लिस्ट जरूर देखना चाहोगे तो इसमें आप देख सकते हो कि सेकेंड में इंडियन रेलवेज है विथ करीब 12 लाख एम्प्लॉयमेंट। पहला में वही इंडियन डिफेंस आता है, इंडियन आर्म्ड फोर्स। थर्ड में टाटा ग्रुप जो कि ऑलमोस्ट 1 मिलियन लोग को एम्प्लॉय करता है। उसके बाद आप देख सकते हो फोर्थ में पैरामिलिट्री फोर्सेस, क्वेस्ट कॉर्प, इंडिया पोस्ट, इंफोसिस, कोल इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये टॉप 10 है। तो आई होप आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो आपको कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? Thank you so much for watching this video.